सुना है सलमान के पीछे लड़कियां सिंदूर लेके घूम रही है, जहां सलमान मिलेगा वही मांग भर लूंगी। सिनेमा आजकल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय सिंघानिया। गजनी मूवी का क्रेडिट कौन ले गया था? देखिए, गजनी में दो किरदार में थे, आमिर खान एक, संजय सिंघानिया लवर बॉय या संजय सिंघानिया डेंजर मैन। ठीक है, दो था, बहुत मजा आएगा आपको बताने में। सबसे पहले बता दूं, ये 2008 की फिल्म है। ठीक है, 2008 में रिलीज़ हुई थी फिल्म, और इसके साथ एक और शाहरुख खान की फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम है रब ने बना दी जोड़ी। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन ये मूवी थोड़ा ज़्यादा लग गई थी क्योंकि क्रिसमस सम का मौसम था और ये मूवी ने काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया था। इसने रब ने बना दी जोड़ी को पिछाड़ दिया था। आमिर खान की फीस ऐड नहीं है बॉक्स ऑफिस पर। इंडिया वाइज 157 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 194। ठीक है, और टीवी पे ये फिल्म करीब 40 करोड़ में बिकी थी। तो सोच लीजिए आप कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और कितना हो गए आमिर खान ने रख लिया। जब क्रेडिट देने की बारी आई तो मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। इसमें असिन ने भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी, प्लस इसका जो डायरेक्शन है वो AR मुर्गदोस, ये एक्चुअली साउथ की एक रीमेक फिल्म है, लेकिन अपन उसको कंपेयर क्यों करें। ठीक है, उसका डायरेक्शन भी वही डायरेक्टर AR मुर्गदोस ने किया था जो अभी सलमान खान को लेकर सिकंदर बना रहे हैं। ठीक है, बहुत मेरे भी बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं AR मुर्गदोस। हॉलीडे बनाई है, आई बनाई है, तो बहुत फेमस है। ठीक है, तो क्रेडिट की बारी आई तो बोले सीन टीम को चलो आप निकलो, काम आ गया आपका क्रेडिट देने का। तो अब क्रेडिट देने में थोड़ा मुश्किल ये था कि आमिर खान दो कैरेक्टर में थे, एक तो लवर में थे और क्रेडिट इनके सिवा कोई था ही नहीं। पूरी फिल्म में आमिर खान की मूवी में आमिर खान ही होते हैं, लेकिन पब्लिक किसको पसंद कर रही है? एक्शन वाले डेंजर वाले संजय सिंघानिया या फिर लवर बॉय संजय सिंघानिया? तो फिर पब्लिक से एनालाइज हुआ तो 50-50 में आके बात रुक गई कि भाई दोनों को 50-50 जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब और एनालाइज किया गया तो बोले ठीक है, डेंजर वाला तो बदला लेने आ रहा है, एक्शन सीन ही कर रहा है, बात तो करता है नहीं, भूल लो सब चुका है। ठीक है, लेकिन इस फिल्म की जो लव स्टोरी है ना, जो कॉपी खोल के लव स्टोरी है, वो एवरग्रीन, वो उसको नहीं भूल सकते आप। इस फिल्म से एक्शन को भी हटा देते ना, लास्ट में खाली बदला लेने आ जाता ना एकाध को मगजनी को मार के, तो भी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होती। और इवन इसमें लव स्टोरी थोड़ा और लंबा का होना था तो हमको बहुत मज़ा आता। तो सब लोग जो संजय सिंघानिया लवर बॉय था उनकी जो स्टोरी जान नहीं पाया, जो वो क्या है, मतलब उसको प्रपोज नहीं कर पाया, बात अधूरी रह गई कि उसको बोल नहीं पाया मैं ये संजय सिंघानिया हूँ बोल के, वो अब बात आज तक चुपती है। और ये फिल्म दोबारा इसका 2 भी नहीं बन सकता जहाँ बता दे वो ऑलरेडी मर चुकी है। ठीक है, तो बहुत बड़ी स्टोरी थी, तो वो दर्द दुख इसमें इतना था, इमोशंस इतने थे वो इसी सीन में कि बता नहीं पाया। मेरे ख्याल से आमिर खान और फिल्म प्रोड्यूसरों से ज़्यादा तो लोगों को लगा कि यार फिर इस फिल्म में बदला गया तो कम से कम मर जाता कि मैं हूँ संजय सिंघानिया, तुम हूँ संजय सिंघानिया, उसको ठाक से पड़ता दोनों मर जाते तो समझ में आ जाता कि हाँ भाई, जाते वक्त उसको पता चल गया था मैं जैसे गाने हूँ, लेकिन उसको पता ही नहीं चला यार। और बहुत मतलब कचोड़ता है आज भी मूवी मुझको कि उसमें उस लड़की को मतलब मरने से पहले उसको नाम पता चल जाना था फोन में दुनिया भर में भी, तो बहुत हुआ। फिर देखा जाए तो सभी बोले इसकी लव फाइटिंग कुछ भी नहीं, हमें फाइटिंग में इतना मज़ा नहीं आया, चलो एक्शन था, लेकिन जो लव स्टोरी की जो डायरीज से स्टार्ट होती है वो, और संजय सिंघानिया का वो लुक, दो लुक में थे, एक तो मैं भी देखी है स्पेशली इसलिए लाइक बनता है भाई है, मेरे को देखो गजनी लुक में आ चुका हूँ आपके लिए, बिल्कुल गजनी लुक में आ चुका हूँ, ये देखिए और ये देखिए, बिल्कुल गजनी लुक में आ चुका हूँ। स्पेशली इस वीडियो के लिए मैंने गजनी लुक कराया अपना, इसलिए एक क्लैप और एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। ठीक है, तो आखिरी में दिया गया संजय सिंघानिया एज ए लवर बॉय को। होप आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो दोस्तों। मेरे वीडियो आते हैं आप शायद आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा था, तो प्लीज़ आप इसको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। मैं इतने बेहतरीन वीडियो लाता हूँ कसम से, मैं बॉलीवुड में जिया खाया, रोड में सोया, सब कुछ किया, जो शाहरुख खान ने किया, जो अक्षय कुमार ने किया, वो सब मैं किया, बस वो स्टार बन गए अपन आज आपके सामने। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में, तो बाय बाय, शुक्रिया और शब्बा खैर मेरे दोस्तों।